गाइज इसको आंसर करें। इसमें क्या क्या रखा, इस क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है वाई इज द स्पीड इन जनरल ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। जो स्पीड होती है उसका मैग्नीट्यूड वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से हमेशा ज़्यादा निकल कर आता। हमेशा मत कहो, इन जनरल की बात कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा भी होता है कि वेलोसिटी और स्पीड इक्वल भी आ जाती हैं, है ना, लीनियर मोशन के केस में। लेकिन यहाँ पर कह रहा है इन जनरल अगर बात करोगे तो स्पीड जो होती है ना, स्पीड वो ज़्यादा निकल कर आती है किससे, वेलोसिटी से, ये वाली बात। तो इसको कैसे समझेंगे कि स्पीड जो है वेलोसिटी से ज़्यादा निकल कर आएगी। आप खुद सोचो स्पीड होती क्या है। स्पीड होती है डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी। अब डिस्टेंस जो होती है वो एक्चुअल पाथ होता है, तो इसका मतलब जब स्पीड आप निकालते हो तो आप उसमें देखते हो एक्चुअल पाथ कितना ट्रैवल किया बॉडी ने और कितने टाइम में किया। तो यहाँ पर एक्चुअल पाथ है। अब इसमें तो आप इतना सभी कम नहीं कर सकते, लेकिन जब आप वेलोसिटी का नाम लेते हो तो वेलोसिटी में आप पाथ की नहीं देखते, आप देखते हो डिस्प्लेसमेंट। और आपको तो पता है डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो एक्चुअल डिस्टेंस से कम हो सकता है या फिर एक्चुअल डिस्टेंस के बराबर भी हो सकता है, लेकिन इन जनरल एक्चुअल डिस्टेंस से कम ही निकल कर आता है बहुत सारे केसेस में। तो इसका मतलब जब डिस्प्लेसमेंट जो है वो कम आया है, तो डिस्प्लेसमेंट कम आने की वजह से वेलोसिटी भी क्या आ जाएगी, कम आ जाएगी। दैट्स वाई स्पीड जो है वो इन जनरल वो ज़्यादा निकल कर आती है इन कंपेरिजन टू वेलोसिटी। समझ रहे हो, इसको बहुत तरीके से समझ सकते हो। लेट अस सपोज कि मैंने ए पॉइंट से मुझे बी पॉइंट तक मूव करना, तो मैं ऐसे लहराता हुआ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ स्पीड की, तो स्पीड तो तभी निकलेगी जब मैं इस एक्चुअल पाथ को नाप लूँ। तो मैं यहाँ स्पीड की अगर बात करूँगा तो स्पीड क्या हो जाएगी, एक्चुअल पाथ, एक्चुअल पाथ अपॉन टाइम। और उतने ही टाइम में मैं देखूंगा कि वेलोसिटी कितनी हो गई। तो यहां पर वेलोसिटी को मैं दिखा रहा हूं वाइट कलर से, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब देखो यार, यहाँ पर खुद ही देख लो, एक्चुअल पाथ तो बहुत ज़्यादा है और डिस्प्लेसमेंट क्या है वो कम है। तो एक्चुअल पाथ को मैं अगर एस से कह दूँ, और एक्चुअल पाथ को मैं कह देता हूँ एस से, और इसको कह देता हूँ मैं डी से, तो यहाँ पर एस जो है वो बहुत ज़्यादा है डी से, ठीक है, साफ पता लग रहा है। तो भाई इस केस में क्या, मोस्ट ऑफ द केसेस में, सिर्फ एक केस को छोड़ के, वो है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। सीधी रेखा में जो मोशन होती है तो उसमें वेलोसिटी और स्पीड दोनों इक्वल होती है, इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों इक्वल होती है। लेकिन उसके अलावा अगर कोई से भी केस आ जाए तो भाई ये चीज़ फिर फॉलो नहीं होती, फिर ये वाली चीज़ फॉलो होती है कि डिस्टेंस ज़्यादा आती है डिस्प्लेसमेंट कम आता। तो आप ये वाली बात लिख दोगे आंसर में, लिखोगे हमसे कह रहा वॉइस द, या अब हम कहेंगे इन जनरल डिस्टेंस इज एक्चुअल पाथ ट्रेवर्स्ड बाय द बॉडी व्हाइल डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट पाथ। दैट्स वाई स्पीड इन जनरल बिकम्स ग्रेटर देन वेलोसिटी। समझ रहे हो आप मेरी बात को। तो इस तरह से आपको यार सारे सॉल्यूशन मिल रहे हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, कोई बात नहीं, कर भला तो हो भला। अगर आप मेरा भला करोगे तो आप कभी कहीं ना कहीं भला होगा, और आप मेरा नहीं करोगे तो फिर आप कभी नहीं होगा, ठीक है। समझ लो इसको अच्छे से।